हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रि के दूसरे दिन रविवार को मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कर दोपहर को लखनऊ हुए रवाना। शाम को मंदिर के प्रधान पुजारी ने की आरती, वितरित हुआ प्रसाद। फिर से गूंजे गांव की बेटी सबकी बेटी का नारा। 1090, 181 और 112 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबर पर भोजपुरी और बुंदेलखंडी में भी हो बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला जनप्रतिनिधियों, प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों तथा पार्षदों, नगरीय निकायों के अध्यक्ष, स्वयंसेवी संगठनों, महिला शिक्षकों से किया डिजिटल संवाद। कहा, क्षेत्रीय बोली की सुविधा होने पर महिलाओं को होगी सहूलियत। स्मृति सिंह ग्राम प्रधान रतसार कला गढ़वार बलिया के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने दिया व्यवस्था करने का निर्देश। मिशन शक्ति अभियान की जिले की नोडल अधिकारी मनीषा त्रिघाटिया ने किया महिला थाने का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, थाने पर आने वाली महिलाओं से सहानुभूति पूर्वक आया जाए पेश, उनकी समस्याओं का त्वरित गति से किया जाए निस्तारण। अंतरराज्यीय स्तर के ई मेल आईडी हैक कर विभिन्न खातों से पैसा मंगाकर ठगी करने वाले गिरोह के एक महिला सहित 4 अभियुक्तों को एसटीएफ उत्तर प्रदेश एवं स्टेट साइबर सेल इंदौर मध्य प्रदेश ने किया गिरफ्तार। आरोपितों के ट्रांजिट रिमांड एवं अग्रेतर कार्यवाही में जुटी इंदौर की पुलिस। मिशन शक्ति अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कृषि मंत्री ने महिला किसानों को कृषि के प्रति किया जागरूक। कहा, कृषि की प्राण होती हैं महिलाएं। विजयदशमी व गोरखनाथ मंदिर से गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की निकलने वाली भव्य विजय शोभा यात्रा के मार्गों का जिला और पुलिस के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर रामलीला मैदान तक पैदल गश्त कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित हुआ माइक्रो लोक अदालत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया, माइक्रो लोक अदालत में आए कुल 6,876 पेटी क्रिमिनल केसेस में से 4,737 वादों का किया गया निस्तारण, वसूले गए लगभग 3,00,000 रुपए अर्थदंड। मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले के नोडल अधिकारी मनीषा त्रिघाटिया की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत विश्वनाथपुर में की गई खुली बैठक। महिलाओं के लिए शासन द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। सीडीओ ने कहा, पुरुषों को आगे बढ़कर करना होगा महिलाओं का सम्मान, जिससे बन सके आत्मनिर्भर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 23 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई प्रवेश परीक्षा। 12,033 अभ्यर्थियों ने 9,121 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए सम्मिलित। 2,912 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। परीक्षा के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का किया गया अनुपालन। गोरखपुर में रविवार को मिले 145 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,047। अब तक 297 कोरोना संक्रमित गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 1417। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजय प्रतिभागियों के पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को लैपटॉप, द्वितीय को मोबाइल एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्रा को टैबलेट देकर किया गया पुरस्कृत। लाइफ टाइम म्यूजिक के एल्बम का कंपनी के डायरेक्टर ने किया लोकार्पण। कहा, उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा एल्बम। और मां दुर्गा की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की गई पूजा अर्चना। सुबह से ही मंदिरों के सामने नारियल फूल माला की सजी रही दुकानें। कोविड-19 गाइडलाइन का किया गया अनुपालन।